नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ विकर्ण मापक। विकर्ण मापक जिसे इंग्लिश में डायजोनल स्केल कहते हैं, ये विकर्ण मापक जिसमें अपने तीन मात्रकों में दूरी बढ़ सकते हैं। जो इससे पहले हमने किया था साधारण मापक था, उसमें सिर्फ अपने केवल दो मात्रकों में दूरियाँ पढ़ सकते थे। एग्जाम्पल देखिए, 1:1,00,000 पर हम मील और हेक्टोमीटर को पढ़ पाते थे, ठीक है। अब अपने को क्या तीन मात्रकों में दूरियां पढ़नी है, देखते ही पता चल जाएगा। चाहे हेडिंग देख लो, चाहे इसमें मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर में दूरी पढ़ो, तो ये तीन मात्रक हो गई। तीन मात्रकों में दूरी पढ़ने वाला स्केल जो है वो विकर्ण मापक ही कहलाता है। अब देखिए, विकर्ण मापक के अंदर पहला उदाहरण है निरूपक भिन्न 1:50 पर एक विकर्ण मापनी की रचना करो जिसमें 5 मीटर, 5 डेसीमीटर, 8 सेंटीमीटर में दूरी पढ़ी जा सके। अब देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। शुरुआत में तो वही सिस्टम है, मानचित्र का 1 सेमी प्रतिशिखरता धरातल का 50 सेमी। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक प्रणाली की दूरियां हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये सेमी में ही माना जाएगा। तो ये देखिए, चूंकि मानचित्र का 1 सेमी प्रतिशिखरता है धरातल का 50 सेमी, इसलिए मानचित्र का 14 सेमी प्रतिशिखरेगा धरातल का। देखो 14 सेमी क्यों मानना है, अगर मैं इसको 15 सेमी मानता हूँ तो फिर मुझे ये क्वेश्चन को हल करते हुए लगातार लंबा चलना पड़ेगा। आप इस पे मेरा वीडियो देख सकते हो, 1:130 पे बना रखा है मैंने, 1:75 पे बना रखा है, जिसके ऊपर क्या है, हमें पूर्णांकों में दूरी नहीं मिल पाती है और फिर अपने इसको लगातार आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो इस पे एक वीडियो मैं और डाल दूंगा तो आप देख पाएंगे, ठीक है। तो आंसर मुझे पता है 7 मीटर आना चाहिए या 8 मीटर आना चाहिए, 9 मीटर आना चाहिए। पूर्णांकों में आते ही अपना क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको अपने लगातार हल करते रहो, ठीक है। चलो फिलहाल मानचित्र का 14 सेमी आपने मानना है, 14 सेमी मानना, तो लाइन कितनी खींचोगे, 14 सेमी, 15 सेमी नहीं, ठीक है। तो 14 सेमी प्रदर्शित करेगा धरातल का, तो 50 का 14 गुना अधिक हो जाएगा। तो ये देखिए, 50 × 14 आंसर आया 700 सेमी। 700 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। मीटर में क्यों बदलेंगे, क्योंकि इन तीनों में से मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में मीटर सबसे बड़ा होता है। तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर। मैंने बोला था ना कि ये संख्या हमेशा इससे मैच नहीं करती है, हर बार मैच करती है, लेकिन जब भी यहाँ पर आर्फ 1:1 की जगह ये 50, 70, 90, 130 ये कुछ आता है, तो आपका ये चेंज, ठीक है। तो आप इससे देखोगे ये 50 है, ये 100 है, लेकिन अपने को चलना है किसके अकॉर्डिंग है, अपने जब ये दूरियां पढ़ रहे थे कि मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो मीटर में जो सेंटीमीटर है वो 100 होते हैं, तो अपने मीटर में बदल रहे हैं सेंटीमीटर को, तो 700 बटा में क्या आएगा, 100 काटा, तो आंसर आया अपना 7 मीटर। यानी कि मानचित्र की 14 सेमी की रेखा धरातल के 7 मीटर को प्रदर्शित करेगी, ये लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब अपने बनाते हैं डायग्राम, डायग्राम की ओर चलते हैं। आप डायग्राम शीट अपने सामने इस प्रकार रखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर अपने एक रेखा खींच लेते हैं, कितनी लंबी रेखा है वो, 14 सेमी। अगर मैं उसको 16 सेमी मानता तो फिर ये देखो स्केल में 15 सेमी है, तो फिर मुझे बड़ा स्केल लाना पड़ता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने माना ही 14 सेमी, तो यहाँ पर रेखा खींच लेते हैं अपनी बिल्कुल सीधी। ये सॉरी, ये 14 सेमी, 14 सेमी की रेखा हमने खींच ली है। एक मिनट, इस तरफ 14 सेमी की लेता हूँ, गलती से एक्स्ट्रा हो गई थोड़ी सी। तो यहाँ से ये 14 सेमी की रेखा हमने खींच ली है। इसके बाद में किसी भी एंगल में पेंसिल की सहायता से आप रेखा खींच सकते हैं, कोई भी दूरी हो, कितना भी एंगल हो, तो ये मैंने खींच ली है। अब प्रकार में कोई भी, तो दिखाना कितना है, इसमें 7 भाग करने हैं, 7 मीटर दर्शाना है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5,
छः, सात, सात मैंने इस पे कोई भी दूरी के निशान लगा लिए हैं। इसके अंतिम छोर को इससे मैं मिला देता हूँ, हालांकि डेड डेड से ही मिलाना है, तो मैं इसको इससे डेड डेड से मिला देता हूँ। ये मैंने इसे मिला दिया। इसके बाद में एक कागज़ का टुकड़ा मैंने, जिसका कॉर्नर मुझे फाड़ना है, तो ये इसमें आ जाए कंप्लीट, तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ ऊपर से ही। ये एक इस प्रकार से मैंने, इसका एक किनारा सीधा था तो मैंने इसका जो है इसका टुकड़ा इसमें से फाड़ कर इसके साथ में रखा। और ये देखिए आप, हालांकि पूरा नहीं आ रहा, तो मैं कम से कम मेरे मुझे तो यहाँ की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ और ये रेखा के बिल्कुल समांतर हो गया है। आप लंबा टुकड़ा काटिएगा थोड़ा सा, मैं तो इस रेखा के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल सीधा जाएगा, तो मैंने इसको वापस अपनी ओर खिसका लिया है। अब ये इस पे मैंने निशान ले लिया है। अब इसको आगे की तरफ स्लाइड करते जाएंगे, रेखा पे रखे रखेंगे और दूसरा डॉट मुझे मिल गया है। इसके बाद में तीसरा डॉट मिल गया है। इसके बाद में चौथा डॉट मिल गया है। इसके बाद में ये तो आपको जब ये डॉट प्राप्त हो जाए, तो इसके बाद में आप इसके ऊपर मापा का निर्माण कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको उठाया कितना, तो ये मैं उठा लेता हूँ इस बार 1 सेमी। विकर्ण मापक बनाना है तो ऊंचाई इसको खुद को कम ही दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मैं ये 1 सेमी का ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा, ताकि इन दोनों के बीच की दूरी जब मैं मापूँ तो कितनी आई, ऊपर की तरफ भी 14 सेमी आई। बीच में से आप कोई भी, जैसे कि हाफ सेमी पर आप निशान लगाइएगा, यहाँ पर लगा दिया और इस तरफ भी मैंने इसे निशान लगा दिया है। अब इसको आपस में ये देखिए मैंने इसको मिला दिया है, ठीक है। तो आप भी इसे इस प्रकार मापक का रूप देंगे। और वैसे देखो ऊंचाई 5 सेम उठाना है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो मैं इसको बिल्कुल सीधा 1, और इसके बाद में यहाँ से ये 2 बिल्कुल सीधा मिलाएंगे, 3 4 5 6 और ये 7। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल आप देखेंगे कि भी बराबर दूरी के ऊपर आपने ये दूरियां निशान ले लेनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको मापक का रूप, सॉरी ये थोड़ा सा इधर लग गया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट आपने कर लेना है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा मान लीजिए। अब इसके बाद में यहाँ तो 0 लिखना है आपने, 1 2 3 4 5 और 6, और ये क्या है, मीटर, ये 6 मीटर है। इसके बाद में यहाँ पर क्या दिखाना है, डेसीमीटर, ये कितने दिखाने हैं, तो इसके आप कितने भाग करोगे, तो आपको 10 भाग ही करने पड़ेंगे। तो 10 भाग के लिए आप क्या करोगे, एक रेखा खींच दोगे, उस रेखा के ऊपर जैसे कि ये प्रकार की दूरी जो है इतनी नहीं आ रही, कम आ रही, कम इससे भी कम कर सकते हो, जो ऊपर से खुलते हैं प्रकार, उससे आप देख सकते हो, ठीक है, वो ठीक रहेगा इसके लिए। तो मैं यहाँ पर प्रकार इस स्केल की सहायता से ही मैं 10 निशान ले लेता हूँ कोई भी दूरी के। तो मैंने ये ठीक है, आप मान लीजिए कि मैंने इसी से खींचे हैं, ठीक है, तो बराबर दूरी हुए लगने चाहिए। तो ये मैंने
हाफ से मी, हाफ से मी करेंगे तो काफी हो जाएंगे, हाफ से भी हाफ, तो ये बिल्कुल, दो के बाद में 2.5, फिर 2.5 के बाद में 50, फिर 75, फिर 1.25, फिर 1.5, 1.75, फिर 2, 2.25, 2.50, कितने हो गए? तो ये 10 हो गए, 2.5 यानी 2.5 तक जो है मैंने इस पे निशान लगाया, तो ये हो गए। और इसके बाद में मैंने इसको ये दूरी रख ली। अब कोई भी कागज़ इस पे मैंने ट्रायंगल शेप का काटा और इस पे यूँ रखा, और इस रेखा के ऊपर मैंने इसको मिला दिया। इसके बाद में इसको मैं आगे की तरफ स्लाइड करके लेके जाऊंगा, ये इसके समांतर डॉट लग जाएगा। इसके बाद में इससे अगले पे, फिर इससे अगले पे, फिर इससे भी अगले पे, इससे भी अगले पे, इससे भी अगले पे, इससे भी अगले पे, और इससे भी अगले पे, सॉरी इस पे, फिर इससे भी अगले पे। इसके बाद में इसमें है क्या कोई? तो ये 0.5, ठीक है, इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है, तो ये इस पे लग गया। इसको आप फिर कर दीजिए, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ और ये 10। तो ये आपके सामने 10 निशान इस पे हो गए। यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये मीटर था, तो ये क्या है? डेसी मीटर, MITRE, DECIMITRE, डेसी मीटर। इसके बाद में आप इसको हाइट दोगे, कितनी हाइट रखोगे आप? तो आप हाइट रख लेना इसमें 5 सेमी भी चलेगा, और चाहो तो जिसका आप 10 भागों में डिवाइडेशन कर सको, तो मैं इसको 4 सेमी ऊपर उठा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको 4 सेमी ऊपर उठाया, इधर भी इसको 4 सेमी ऊपर उठा लेता हूँ, डॉट लगा देता हूँ। बीच की दूरी कितनी है? 14 सेमी है, तो यहाँ पर 14 सेमी पर इसे रोक लेते हैं, फिर ये 14 सेमी इसमें कवर, प्रत्येक 4-4 mm पर निशान लगेगा, क्योंकि 10 निशान चाहिए। तो ये 4 के बाद में फिर 8 पे, फिर 12 पे, फिर 4 छोड़ के 16 पे, फिर 20 पे, फिर 4 24 पर, 4 28 पर, फिर 32 पे, फिर 36 पे, और फिर 40 पे। आप देख रहे हैं मैंने 4-4 mm के निशान लगा दिए हैं। इसके बाद में इनको मैं बिल्कुल इस प्रकार स्ट्रेट लाइनें खींच लेता हूं, और इन रेखाओं को भी ऊपर की ओर बढ़ा देता हूं।
इनको भी ऊपर सीधा बढ़ाना है और इनके साथ में लाइनें इस प्रकार से खींचनी है। तो ये मैं पेंसिल की सहायता से खींच लेता हूँ, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज कर लेता हूँ इतनी देर। अब हमने इसको ऊपर की तरफ उठाया और कितना 4 सेमी उठाया था, 4-4 mm पे मैंने निशान लगाए, तो ये 10 निशान हो गए। यहाँ इसको 0 लिखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 9 के बाद में इसमें आप यहाँ से ऊपर लिखेंगे 10, 9 के बाद में 10, और ये होगा आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। आप देखेंगे कि इसमें यहाँ इस तरफ आप मीटर में दूरी पढ़ पा रहे हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेसीमीटर में, और यहाँ शून्य से ऊपर की तरफ आप सेंटीमीटर में दूरियाँ पढ़ पाएंगे, और इसके बाद में विकर्ण मापनी बना, विकर्ण इसके गिरा देंगे। विकर्ण मापक बनाना है तो आपने यहाँ से जो रेखा खींचनी है इसको आपने सीढ़ी की तरह जो है इस पॉइंट पर लेकर जाना है, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे, गिराएंगे किस पे, इसके किनारे वाली रेखा के बिल्कुल सामने यहाँ पर। तो इसकी रेखा कहाँ गिरने वाली है, इसकी रेखा गिरेगी इस वाले के बिल्कुल सामने, यहाँ पर है ये इसका निशान, लेकिन रेखा इधर वाली इस पर गिरने वाली है। आप देखिए, आप यहाँ से मैंने इसको गिराया है, तो आप देखेंगे इसके बाद में आप प्रत्येक रेखा को उसके सामने वाली रेखा के बिल्कुल, या भी गिराना किसके सामने है, इसके सामने। चाहे तो आप ये सारे के सारे डॉट पहले लगा लो, आप चाहो तो इसके डॉट लगा सकते हो। ये डॉट लगाने के बाद में गिराना इसको, इसके साथ वाली रेखा का जो है गिरना किस पे होगा, वो इस रेखा पे होगा। इसी प्रकार इसका, सॉरी ये थोड़ा सा ठीक है, दोबारा बनाया था। मुझे थोड़ी ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर वाले भी ये निशान जो है दूरियों के, मैंने इसके ऊपर भी लगा लिए हैं। अब यहाँ से मैंने ये रखा निशान और इस पे ये मैंने लाइन खींच दी। इसके बाद में इससे अगले पे जो इस पे है दूरी वो रखी और निशान वो इसकी ओर, ऐसे ही यहाँ से इसकी ओर, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक रेखा शुरुआत यहाँ से होगी लेकिन गिरेगी अपने पड़ोसी रेखा के बिल्कुल सामने, ठीक है। तो शुरुआत वाली रेखा के साथ वाली रेखा से ही सीढ़ी जो है वो शुरुआत हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये सब इसी विकर्ण के कारण जो है, इस मापक को जो है विकर्ण मापनी कहा जाता है। यहाँ पर आप लिख देंगे R F 1:50। इसके बाद में ऊपर हेडिंग आप स्पेस थोड़ा ऊपर से छोड़ लेना, इसके लिए ये एक डायग्राम शीट पे एक ही बनने वाली है, तो इसके ऊपर आप स्केल में लिख लेना डाइजोनर स्केल, और ये मापक आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।